कैसे देखते हैं उन्मादी भीड़ जो ऐसे उग्र हो जाती है? नहीं देखिए मैम, मैं आपको बता रहा था कि मॉब लिंचिंग जो होती है ना, दो कंडीशंस होते हैं, एक होता है क्यूज, दूसरा होता है ट्रिगर। एक भीड़ जो शांत रहती है, धीरे 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 वो बॉयल करना शुरू करती है, कुछ ऐसे ट्रिगर्स उसमें आ करके कुछ ऐसे फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स उसमें जुड़ते हैं कि वो भीड़ हिंसक हो जाती है। तो हमें ढूंढना ये चाहिए कि ये जो क्यूज है उनके मन में, भीड़ के मन में ये भावनाएं कौन पैदा करता है कि आदमी इकट्ठा होकर के हिंसक हो जाता है। उसके लिए मैं अभी समझता हूँ जो है बहुत ज्यादा धर्मांधता होना, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी में ऐसे भाषणों का प्रयोग करना, ये सब उत्प्रेरक की तरह जो है काम करते हैं। कुछ हमारी सामाजिक मान्यताएं भी होती है कि जैसे अगर कोई डायन है तो उसको डायन घोषित करके, अगर किसी को घोषित करके वहां पे भी उसको मारा जाता है। विश्व भर में कई जगह पे ऐसी घटनाएं होती है। आज ही इस तरह की घटना हुई है झारखंड के गुमला में, ये सारी घटना घटित हुई है, चार लोगों को मार दिया गया। तो मैं वही बता रहा था, ये क्यूज जो है कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो कहीं ना कहीं लेटेंट अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में ऐसे हिंसक आदमियों के जो है दिमाग में पड़े रहते हैं, उनको कैटालिस्ट कौन करता है? जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई पॉलिटिकल आदमी ऐसा कुछ बोल देता है, एक लहर चलती है, तो लोग इकट्ठे होकर ऐसा करने लगते हैं। मॉब का अपना कोई विवेक नहीं होता है। नूतन जी सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, क्या ऐसी जगहों से भी हिम्मत आ जाती है ऐसे लोगों में इस तरह की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम देने की? आपने जितने भी चीजों के घटकों के कंपोनेंट्स के नाम लिए, वो सब समाज के ही, सोसाइटी के कंपोनेंट है। पॉलिटिक्स भी समाज का हिस्सा है, धर्म जाति जितने भी हैं वो सब समाज का हिस्सा है। तो इंटीग्रेटेड वे में देखा जाए तो ये समाज का ही हिस्सा है, जिसके कारण ये पूर्ति पनप रही है या कभी थी या फ्यूचर में भी रहेगी। तो इसके लिए होना ये चाहिए, सबसे पहले देखिए पुलिस वगैरह इन सब सिस्टम का क्या काम है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन मॉब लिंचिंग, जो मॉब एक आदमी को मार रही है, हमारे देश में ये भी प्रथा है या उदाहरण आते हैं कि एक मॉब, एक भीड़ किसी मरते हुए आदमी को बताती नहीं है। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात है, सोसाइटी में किस तरीके के कैरेक्टर हम डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले बोला था, कोई एक आदमी, कोई एक पॉलिटिशियन, कोई एक ग्रुप अगर किसी चीज की हवा बना दे गलत तरीके से और फिर वो मीडिया वगैरह में चला जाए, तो एक पूरा धीरे धीरे करके एक हैवॉक क्रिएट होना शुरू होता है और भीड़ की मानसिकता बदलनी शुरू होती है। ये पूरा एक प्रोसेस है, आप देखिए कि ये प्रोसेस कैसे डेवलप होता है। तो हमें निप इन द बड, निप इन द बड मतलब कि सबसे पहले तो समाज को ही सुधारना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि समाज में जहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर वही गांव वाले चाहे, चार छह बुजुर्ग चाहे, तो उस चीज को रोक सकते हैं। पुलिस तो आज तक रोक नहीं पाई है, सिस्टम तो रोक नहीं पाई है, कानून इतने बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट हर कोई आदेश देता रहता है, तब भी घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस पहुंचती है कानून इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें अभी बहुत कमियां हैं और बहुत टाइम लगेगा अभी इंडिया में इमीडिएट करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ये है कि हम समाज को ही, गली मोहल्ले के लोगों को ही इन सब चीजों के लिए जागरूक करें और उनकी सहिष्णुता को बढ़ाएं और उस उन आदर्शों की स्थापना कैसे किया जाए, जहां तक कि कोई भी आदमी मुसीबत में हो, कैसे भी हो, उसकी मदद की जाए, न कि उसके ऊपर कोई ब्लेम लगा के, आरोप लगा के उसको प्रताड़ित किया जाए। ब्लेम सही है या गलत है आप उसको पुलिस को दीजिए, पुलिस उस चीज को कानून व्यवस्था अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से उसको परखेगी कि इसको क्या पनिशमेंट मिले, ये सही है कि गलत है। तो सब कुछ पहला जो आता है वो समाज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। समाज में जो हम लोग हैं, जो डिफरेंट ग्रुप है, जो कंपोनेंट है, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, एम्बुलेंस और पुलिस बाद में आती है, पहले अगल बगल के लोग आते हैं, समाज के ही लोग आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो समाज, समाज की मान्यताएं, समाज का आज का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, किस तरीके से आज समाज सोचता है, ये पहला कारण है मॉब लिंचिंग के लिए। इसको हमें बदलना चाहिए। समाज के हर लोग, हर वर्ग से ये विनती है, ये अपील है कि वो बड़ा दिल जो है और धैर्य अपनाए इन सब चीजों में, इमीडिएट वो हिंसक ना हो, ना किसी को हिंसक बनाने के लिए प्रेरित करे। लेनी होगी। एके मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए यहाँ पर, क्या लगता है यहाँ पर इस तरह के मामले अगर रोके जा सकते हैं तो कानून के जरिए रोके जा सकते हैं या समाज सुधार बड़ा रोल अदा कर सकता है? एक इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच होना चाहिए, जिसमें हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज का भी अपना रोल है, उसके साथ साथ जो सरकारी मशीनरी है, जो पुलिस है, पुलिसिंग है, उनके अपने डिपार्टमेंटल चैलेंज है, गवर्नमेंट को उसको भी जो है सपोर्ट करके उनकी संख्या बल को बढ़ाना चाहिए, इमीडिएट सपोर्ट हो, और अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद में जो गवर्नमेंट का रोल है, कानून का रोल है, वो सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी लागू हो, कड़े जो है सजा का इसमें प्रावधान हो, ताकि वो आगे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सजा का खौफ होना जरूरी है। मोमिता जी,